तरक्की जब देखोगे नहीं अपनी आंखों से तो क्या मानोगे बातों से। तो आइए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं। आज का टॉपिक है N x 55। इसका मतलब ये है कि कोई भी दुनिया की पहाड़ा हो जाएगा, ठीक है, टेबल, कोई भी टेबल हो, उसे आप उसे पूरा लिख करके आप ऐड कैसे कर सकते हैं, या तो ऐड करने के बाद कितना मेरा आंसर आने वाला है, दोस्तों मैं उसी के बारे में आज चर्चा करने वाला हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों नमस्कार, आइए मैं आज आपको स्टार्ट कर रहा हूं N x 55, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले नंबर मैं आपसे एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ मैं आपको, कि पहले नंबर इस चीज़ को सीखने के लिए आपको टेबल लिखने के लिए आना चाहिए। टेबल आपको सही तरीका से लिखने के लिए जब आएगा दोस्तों, तभी आप इस चीज़ को बढ़िया से कर पाइएगा। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ सिखाता हूँ कि अगर 2 का टेबल कोई बोल दे तो कैसे लिखाएगा। तो दोस्तों देखिए, 2 का टेबल, अगर ये बात सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कौन सा बच्चा को भी, छोटा सा बच्चा को भी आएगा 2 का टेबल लिखने के लिए, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी सी बात पूछ दिया हूँ कि जो कि 2 का टेबल नहीं आता है। तो दोस्तों 2 का टेबल सभी को आता है, पढ़ने के लिए भी आएगा, लिखने के लिए भी आएगा, पर उसे किस ढंग से लिखा जाता है वो चीज़ को मैं आज इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। उसके बाद सारे मैं इसके बाद में जितने भी टेबल आएगा उसको ऐड करने के बाद में मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों, आप उसे सेकेंड में कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले नंबर क्या करना है कि अगर जो आपको कह दिया जाए कि 2 का टेबल कैसे लिखाएगा, तो देखिए दोस्तों, 2 × 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, और यहाँ से होता है दोस्तों कि 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20। ये भी दोस्तों मेरे पास क्या है, 2 का टेबल लिखा हुआ, ठीक है ना। दूसरा बात क्या कहते हैं दोस्तों, इसी चीज़ को मैं लिखता हूँ, 2 × 4, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20। तो दोस्तों यदि आपको कह दिया जाए कि बताइए कि इन दोनों में से जो टेबल लिखा हुआ वो सही कौन सी टेबल लिखा हुआ, तो दोस्तों देखिए, अगर आप देखेगा इसको तो दोनों टेबल आपको लगा कि सही लिखा हुआ, बट ऐसा नहीं दोस्तों, इसमें से आपका एक ही टेबल सही लिखा हुआ है, मैंने इसमें एक ही को सही लिखा हूँ और एक गलत लिखा हूँ। दोस्तों ये चीज़ें क्या है कि आपका गलत लिखा हुआ है और ये चीज़ें आपका क्या है दोस्तों, सही है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को पहले आपको करना क्या है कि जैसे यहां से देखिए, डिजिट जानते होंगे, डिजिट, DIGITS, डिजिट समझते होंगे, इसका मतलब होता है दोस्तों अंक। जब डबल अंक आता है तो उसे हम किस प्रकार से लिखते हैं, वहां से इस मान में वैल्यू होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर कहा जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर कितना सिंगल डिजिट है, मतलब एक अंक दिया गया है, पर अगर 10 की बात करेंगे तो देखिए 1 और 0, इसमें से 2 अंक आ जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये 2 अंक जब जहाँ से स्टार्ट होता है उसमें से क्या करना है कि राइट वाला जो पहला अंक होगा दोस्तों, इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है, तो राइट वाला अंक जो होता है ये सिंगल डिजिट के सामने लिखते हुए आएंगे, और लेफ्ट में क्या करेंगे, जहाँ से डबल होता है उसको हम एक अंक इधर बढ़ा देते हैं दोस्तों। तो ये क्या हुआ कि 2 का टेबल, यानी अब 2 का टेबल का मतलब क्या हुआ कि अब कोई भी टेबल रहेगा तो उसे आप बढ़िया से लिख लीजिएगा, क्या उसे हम कैसे लिखेंगे। जब दोस्तों आप इसे सही से लिख पाइएगा दोस्तों, तभी इसको आप ऐड सही कर पाइएगा, वरना आपसे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि टेबल लिखने के लिए आज आप सीख गए होंगे या समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए मैं इसको एक करके दिखाता हूं कि ये कैसे बनता है और इसे हम ऐड कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यदि आपसे कोई कहता है कि 1 का हम टेबल लिखते हैं, यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बना के रखा हूं दोस्तों, N x 55, इसका मतलब हुआ N फॉर एनी नंबर, यहाँ कोई भी टेबल हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई टेबल हो सकता है, और ये लिखा हुआ 55। अब हम पहले इसको चेक करते हैं कि 55 है तो क्या, तो समझिएगा दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ देखिए 2 डिजिट आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इस ढंग से इसको लिखेंगे। अगर हम इसको ऐड करते हैं दोस्तों, तो देखिए हमारा ये मान कितना निकल के आएगा, तो 2, 2 = 3, 3 × 3 = 6, 6 = 4 = 10, 10 = 5 = 15, और 15 × 6 कितना होता है, 21, 21, 21 + 7 = 28, 28 + 8 = 36, 36 + 9 = 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो 45 का दोस्तों यहाँ 5 बाकी हो जाएगा, 4 और 1, यहाँ 4 = 5, तो ये दोस्तों क्या हो गया है,
मैंने 1 का टेबल को ऐड किया तो कितना आ गया 55 आ गया। छोटी सी बात है दोस्तों, इसको ध्यान देना है कि 1 का टेबल को अगर हमें ऐड करना रहेगा तो मेरे पास क्या जाएगा 55 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर हम थोड़ी सी गलत लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया दोस्तों, ये 10 कर दिया हूँ। अगर इसको ऐड कर देते हैं तो ये क्या चले आएगा, हमारा एक रॉन्ग मान चले आएगा, यानी गलत मान चले आएगा दोस्तों। तो ये चीज़ें कब ऐसा हो जाता है कि जब इसे आप लिखने में गलती करते हैं तब। इसीलिए जहाँ से 2 डिजिट आ जाता है या 3 डिजिट आ जाता है, वहाँ से आपको क्या करना है, सिंगल डिजिट के साथ में राइट वाला मान को लिखना है, बाकी जो बचता है वो सभी को लेफ्ट में डालना है, ठीक है दोस्तों। तो ये 55 जो मैंने यहाँ लिखा, n इंटू 55 जो लिखा हूँ, 1 का टेबल को जब ऐड करिएगा पूरा लिख करके तो ये 55 आ जाएगा। अब इसी के सहारे से दुनिया के कोई भी अगर आपको टेबल को कह देगा कि उसका योग क्या आएगा, तो दोस्तों आप फटाक से इसको निकाल लीजिएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब अगर जो मान लेते हैं कोई कहता है कि 2 का टेबल को लिखने के बाद में, जैसे मान लेते हैं यहाँ क्वेश्चन बना देता हूँ कि 2 का टेबल का योग क्या होगा, यानी योगफल क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 2 का टेबल का योगफल क्या होगा। तो आप क्या करिएगा, इसको जनरल तरीका अगर आप करिएगा तो बहुत समय लग जाएगा। जनरल तरीका क्या कहता है दोस्तों, मेरा जनरल ये कहता है कि ऐसे हम इसको लिखेंगे 2 × 4 × 2 × 6 × 8 × 10 × 6 × 12 × 7 × 14 × 2 × 14 × 18 × 2 × 20। अब अगर इसको हम जोड़ना शुरू करेंगे दोस्तों तो एक लंबी प्रक्रिया हो जाता है। बट हमें ये चीज़ें आज की बात नहीं करना है, करना क्या है दोस्तों कि मैंने इस ट्रिक को अप्लाई करूंगा। देखिएगा दोस्तों, अगर मेरा ये ट्रिक क्या कहता है कि n इंटू 55 करा दोस्तों, तो n फॉर एनी नंबर, यहाँ कोई टेबल का मान हो सकता है, तो जिस टेबल को हमें योग कहेगा करने के लिए उसका फर्स्ट लेटर लेना है, यानी शुरू वाला अंक को लेना है। तो शुरू अंक कितना, 2 का कहा गया है, क्वेश्चन में करा है 2 का टेबल, तो 2 यहाँ लिखा हुआ, 2 से हम इसमें अगर गुना कर देंगे दोस्तों तो जो आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका योग आ जाएगा। देखिएगा, अगर 5 × 10 × 10 कितना हो जाएगा 110। तो अगर इसका मान को हम देखा जाए दोस्तों तो 2 का टेबल का जो योग आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर जो हमें कोई कह देता है दोस्तों, कोई अगर इसमें से कह देता है कि 5 का टेबल का योग क्या होगा, तो देखिए अगर 5 का टेबल का योग हमसे अगर पूछ लिया जाता है कि 5 का टेबल का योग क्या होगा दोस्तों, तो हम इसमें से क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा इंटू क्या कर देंगे 55। तो अब इसी को सोल्व कर लेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 × 5 करेंगे 25, बाकी हो जाएगा ये 2, फिर यहाँ करेंगे 25 और 25 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 26, 27, यानी कि 20 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगर इसमें से कोई भी टेबल कह दिया जाए, मान लेते हैं कि अगर इसमें से कह दिया जाए कि 40 का टेबल का योग क्या होगा, 40 का टेबल का योग क्या होगा। देखिए मान लेते हैं यहाँ कि 40 का टेबल का योग क्या होगा दोस्तों, तो हमें 40 का टेबल लिखने के लिए अगर नहीं आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, गुना करके लिखेंगे, एक लंबी प्रक्रिया जाएगा, फिर उसको ऐड करेंगे, एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगा। तो दोस्तों जो कहेगा टेबल को वो फर्स्ट लेटर लेना है, तो फर्स्ट मेरा 40 का बात क्या गया है, इंटू 55 कर देंगे, देखिए इसी को हम सोल्व कर लेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर इसको करेंगे तो 4×5 = 20 यानी 200 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपको कितना 200 हो जाएगा दोस्तों, ये 2 2 यानी 2 2, ये तो ये इसका अगर हम योग कर लेंगे तो ये 2200 आंसर आ जाएगा दोस्तों, आप इसको करके देख सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।